स्टार्ट। नमस्ते, मैं हूँ रंजन। आप सभी को पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा था कि गोबर गैस से हम कैसे कुछ बनाते हैं, गोबर को यूज़ करके हम गोबर गैस कैसे बनाते हैं और गोबर गैस प्लांट कैसे होता है। सभी ने बस पढ़ाई की मगर उसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो एक गोबर गैस प्लांट है जो कि हमारे हिंजली काटू एरिया में करंजई में है, और उधर एक गौशाला भी है, और गौशाला से जो गोबर निकलता है उसको यूज़ करके इधर के जो ऑर्गेनाइज़र है वो गोबर गैस प्लांट बनाते हैं। तो पहले देखते हैं गोबर को लोग कैसे ये करते हैं। इधर एक कुआं टाइप का है, इधर गोबर डालते हैं और इधर से गोबर जाता है, फिर आगे इधर से जाके इधर एक पाइप टाइप का है, इधर से जाके फिर एक बड़ा सा तंबू टाइप का है, इधर गोबर जो रहता है पानी के साथ मिक्स होकर रहता है, फिर इधर गोबर और पानी का रिएक्शन होके केमिकल रिएक्शन होके इधर से गैस निकलता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। जो मीथेन गैस के वजह से और मीथेन गैस से हम लोग चूल्हा और कुछ बल्ब भी जला सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं, इधर एक ये टाइप का है, इधर से मीथेन गैस निकलता है फिर इधर से होके घर तक जाता है, फिर बाकी का जो बचा हुआ गोबर रहता है वो पानी के थ्रू इधर से एक पाइप टाइप का है इधर से बाहर आ जाता है, और ये आप देख सकते हैं इधर से बाहर आता है, फिर ये खेतों में चला जाता है और खेतों में अच्छे कंपोस्ट का काम करता है जो कि बहुत ही फायदेमंद है। तो गोबर आपका अगर 4 या 5 भी गाय होगा तो आप उसको यूज़ करके एक गोबर गैस प्लांट बना सकते हो जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। गाय से दूध मिलेगा, गोबर से आपका घर का चूल्हा, आपका घर का लाइट, वो सभी जल सकते हैं बिना खर्चे। टोटली स्वदेशी ज्ञान कौशल से ये सब तैयार किया गया है। अगर आप चाहें तो 4-5 गाय रख के ऐसा एक गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं और सभी को इसके फायदे के बारे में बता भी सकते हैं। नमस्ते। कट कट तुम संवाद आएगा।